हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एपिसोड थर्टी की शुरुआत में यून चंग वैन से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं कहां पर हूं और मुझे तुम्हारी एक चीज में मदद की जरूरत है वैन कहती है की मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ सोवियन ग्रंदन ऐसी कह रही होती की इस एप्लीकेशन के लिए फैं फैं भी तो अप्लाई कर सकता है तो गोधन कहने लगता है की मैं फेमुलरेशन की वजह ऐसी काफी बिजी है इसीलिए हमारी टीम में सिर्फ तुम्हारे पास ही फ्री वक्त है सो सोविन ऐसा करना तो नहीं चाह रही होती लेकिन इसको गोन्दन की बात माननी पड़ती है और अब सुवीन इस एप्लीकेशन को लिखना शुरू कर देती है सुविन को अपनी एप्लीकेशन दिखाने के लिए लेकर आती है तो गंदन कहता है की इतनी अच्छी नहीं है तुम इसको दोबारा ऐसी बनाओ सुवीन कहती है की मैं पहले इसको तीन दफा रिवाइज कर चुकी हूँ सुविन गुस्सा हो गई होती तो गोविंद सुविन को प्यार ऐसी मनाता है तो ये मान जाती है कहती है की मैं इसको दोबारा करके लाती हूँ और अगले दिन फैंग और गोविंदन को अपनी बनाई हुई रिपोर्ट दिखाती है ये रिपोर्ट देखने के बाद गोविंद से कहता है कि तुमने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी बताया है वो भी तक दूसरों की रिसर्च है तुमने इसमें अपनी रिसर्च और आइडियाज ऐड नहीं किए इसलिए तुम्हें अपनी रिपोर्ट दोबारा बनानी होगी और अब गुंजन गोविंद को रिपोर्ट प्रेजेंट करने का तरीका टीच करने लगता है लेकिन गुंजन हर बार ही सुविधन के तरीके में कोई ना कोई गलती निकाल रहा होता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद सुवीन कहती है की अब मैं थक गई हूँ गुंजन कहते है कि मैं तुम्हें जगह आरोप लेकर चलता हूँ अब फिर ये दोनों शॉपिंग करने के लिए आज जाते हैं सुविन ऐसी पूछते की तुम मुझे यहाँ पर क्यूँ लेकर आये तो गुंजन कहता है की इस तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम्हें फॉर्मल कपड़ों की जरूरत है और फिर सुवियन कपड़े ट्राई करके गंजन को दिखा रही होती है लास्ट में सुवियन एक वेट शर्ट पहन कर आती है और गंजन से कहती है कि मुझे ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है तो हम ये ले लेते हैं गंजन भी इस पर मान जाता है ये दोनों जब इस शॉप से बाहर आ रहे होते हैं तो सुवियन को एक वेडिंग ड्रेस नजर आता है जो इसे काफी अच्छा लग रहा होता है गंजन भी इस ड्रेस को देख कर कहने लगता है की जब फ्यूचर में हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे लिए इसी तरह का ड्रेस पसंद करूंगा सुविन कहती की तुम ऐसी शादी कौन करना चाहता है गंजन पूछने लगता है की जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रो रही थी तो क्या तुमने मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा था सुविन कह कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी वाइफ को बहुत जल्दी खो दो गुंजन से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है सुविन कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जो तुम्हारी पर्सनलिटी है तुम बहुत सारी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो चाहे तुम्हारी एज कुछ भी हो गुंजन कहने लगता है की मेरा मतलब ये था की हम फ्यूचर में इस मेडिसिन के रिसर्च में कामयाब हो जाएंगे सुविन इस बात पर हंस देती है और यहाँ ऐसी चली जाती है आज सुविन की मोम जब घर पर आती है तो इनको एक पम्फलेट मिलता है जिसको की बिना देखे ही डस्टबिन में फेंक देती है अभी खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स काटने लगी होती है की एक वेजिटेबल इस पेपर आरोप गिर जाती है सुवियन की मोम देखती है तो ये कोरिया डिजीज के पेशेंट के लिए एक सेनेटोरियम खुला होता है ये देखते ही सुवियन की मोम यहाँ आरोप आ जाती है यहाँ पे सभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स की इस बीमारी से लड़ते हुए स्ट्रगल को बता रहे होते हैं सुवियन की मॉम साइड पर खड़ी इन सभी की बातें सुन रही होती हैं एक लड़की कहने लगती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर कई दफा देखा है लेकिन तुमने कभी भी हमसे कुछ शेयर नहीं किया ये और कोई नहीं गोजन होता है और ये बताने लगता है की मेरी गर्लफ्रेंड में भी इस बीमारी का जीन है गोन्जन कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बीमार हो जाएगी लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर आप सब लोगों की स्ट्रगल से सीखने के लिए आता हूँ क्योंकि मैं खुद को पहले से ही सबके लिए तैयार कर रहा हूँ गंजन कहता है की मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने कोरिया डिजीज आरोप ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है मुझे नहीं मालूम की मैं इसका इलाज ढूंढने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा ये सुनते ही सभी लोग गुंजन के लिए तालियां बजाने लगते हैं और सुवियन की मोम भी इसकी बात सुनकर काफी इमोशनल हो गई होती है गुंजन यहाँ से वापस होता है तो ये सूवियन की मोम को यहाँ पर खड़े हुए देखता है सुविन की मोम कहती है की ये पंफ्लेट तुमने ही मेरे घर पर छोड़ा था ना गंजन कहते हैं की मैं जानता हूँ की आप अभी भी मुझ पर गुस्सा है लेकिन आपने जो कुछ भी अभी सुना है वो मेरे दिल से कहा है इसलिए मैं चाहता हूँ की आप मुझे सूवियन का ख्याल रखने दे मैं वादा करता हूँ की मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा सुवीन की मोम कहती है की क्या तुम कॉन्फिडेंट हो की तुम सुविन को ठीक कर लोगे तो गोविजन कहता है कि हाँ और कहने लगता है कि मेरी वजह से आप और सूविन हर्ट हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और कहने लगता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक दूसरा मौका दें ये सुनकर सुवियन की मोम मान जाती हैं और अब सुवियन की मोम गेंजन के साथ घर पर आती हैं साइड में आके सुवियन अपनी मोम से पूछते हैं कि क्या अब आप इस पर गुस्सा नहीं है तो मोम कहती हैं कि मुझे मालूम हो गया है कि गेंजन वाकई में तुम्हारी बहुत केयर करता है ये सुनकर सुवियन भी खुश जाती है आज ये तीनों माइक्रोलाइट फंड्स के लिए अपनी रिपोर्ट देने के लिए आ गए होते हैं गेंजन सुवियन से कहता है कि तुम नर्वस नहीं हो हमने बहुत प्रैक्टिस की है इसलिए बाकी का काम तुम लक पर छोड़ दो अब जब सेवेंथ टीम की अनाउंसमेंट होती है तो जेवी कंपनी से स्पीच देने के वेन आती है और वेन और सुविन का टॉपिक भी सेम होता है ये देख कर तो इन तीनों को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है अब फैंग, फैंग देख रहा होता है की ये रिपोर्ट प्रोफेसर ही ने लिखी है और सोचने लगता है की ये कब सबसे जी ही कंपनी के लिए काम कर रहा है और अब दिखाया जाता है की जब प्रोफेसर ही हॉस्पिटल छोड़ कर आये थी, तो वो गोन्जन की जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च थी कोरिया डिजीज आरोप उसको भी साथ ले आए थे ये देख थे कहने लगता है की मैं तो आपसे काफी इमेस हो गया हूँ यूनज पूछता है की आप अपने काम की क्या कीमत मांगते हैं तो ये कहने लगता है मैं आर एन डी डिपार्टमेंट का फुल कंट्रोल चाहता हूँ और इसके साथ मुझे अपने काम करने के लिए इंडिपेंडेंट लैब भी चाहिए और मेरी सैलरी हॉस्पिटल से तीन गुना ज्यादा होगी युनचिंग इसके लिए मान जाता है तो so विन जैसे ही अपनी रिसर्च का टॉपिक सबके साथ शेयर करती है तो सभी लोग बात करने लगते है की जियो कंपनी भी तो इसी टॉपिक आरोप रिसर्च कर रही है युनचिंग कहती है कि तुमने अपने कनेक्शन यूज करके हमारी स्पीच पहले रखवाई है और उसका असर भी नजर आ रहा है तो so विन जब अपनी रिपोर्ट दे रही होती है तो ऑडियंस में से एक शख्स कहने लगता है कि कोई नई बात बताओ ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं और अब दिखाया जाता है है कि जब सुवियन प्रैक्टिस कर रही होती है तो ये गोयजन से पूछते है की तुम तो मेरी प्रेजेंटेशन को कितने नंबर दोगे तो गोजन कहता है सेवन या एट सुविन की तो बहुत ही कम है मुझे बताओ की मैं पूरे नंबर कैसे हासिल कर सकती हूँ तो गोवेंजन कहने लगता है की हमेशा प्लान भी होना चाहिए और अब सुवियन कहने लगती है की आप सब लोग ये बातें पहले सुन चुके हैं तो मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करती हूँ और अब सुवियन सबको बताने लगती है कि मैं ये रिसर्च इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस बीमारी की पेशेंट हूँ और बताती है कि मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी इसीलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि जब मुझे ये बीमारी हो जाएगी तो मैं सर्जिकल नाइफ कभी नहीं पकड़ पाऊंगी इसीलिए लिए न्यूरो सर्जन बनने का सपना मैंने उसी दिन छोड़ दिया सुवीन है की मुझ पर भरोसा करे मैं सबसे ज्यादा इस साइंटिफिक रिसर्च में कामयाब होना चाहती हूँ ताकि मैं कोरिया डिजीज का इलाज ढूंढ सकूँ सुवीन की स्पीच ऐसी सभी काफी इंप्रेस हो गए होते हैं और इसके लिए तालियाँ बजाने लगते है इसके बाद माइक्रोलाइट के डायरेक्टर को स्टेज पर बुलाया जा रहा होता है ताकि वो रिजल्ट को अनाउंस करें और डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि ये फंड वारन हॉस्पिटल की रिसर्च टीम को जाता है ये सुनते ही तीन तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सुवियन स्टेज पर जाकर अपना फंड रिसीव भी कर लेती है ये देखकर वैन कहने लगती है कि न जाने सुवीन फिर क्यों जीत गई है यूनचिंग कहने लगता है कि जेहू को इस फंड की पहले भी कभी जरूरत नहीं थी ये कहकर यूनचिंग यहाँ ऐसी चला जाता है वैन जब पूछ रही होती है की फिर हम यहाँ आरोप क्या करने के लिए आए हैं तो प्रोफेसर ही कहते हैं की अपने दोस्तों को ये बताने के लिए की हम वापिस आ गए हैं अब सूवन जब स्टेज ऐसी वापिस आती है तो युजन को हक करते हुए कहती है की हमने कर दिखाया है ये तीनों वापिस जा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात यूनचंग और प्रोफेसर ही ऐसी हो जाती है को कहती है कि तुमने अपनी मिजरेबल कहानी से ये फंड हासिल कर लिया है सुवीन कहती है कि मुझसे तो ज्यादा तुम लोग मिजरेबल हो जो बार बार मेरे काम को चुराते हो वैसे तो ही कहने लगते हैं कि तुम ये कह रही हो कि हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट का, का काम चोरी किया है वंजन कहता है की तुम लोगों ने अभी जो रिपोर्ट पेश की थी वो बस कॉपी पेस्ट थी कहता है हैं अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इस तरह ऐसी बात भी नहीं करो रिपोर्ट इसलिए सेम है क्यूँकी इस डिजीज के इलाज के लिए सिर्फ कुछ ही मेथड है की ठीक है आगे देखते हैं की कौन जीतता है ये कहने के बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं इसके बाद हमें तीन साल बाद का सीन दिखाया जाता है सुवियन लैब में माइक्रो प्लेट रीडर लेकर आती है तो गेंजन कहता है ये तो दूसरी टीम ऐसी क्यूँ लेकर आई हो सूवियन कहती है क्यूँकी हमारा माइक्रो प्लेट रीडर खराब हो गया है गेंजन कहता है की हम नया खरीद लेते हैं सुवियन कहती है की माइक्रोलाइट ने हमें जो भी फंड दिया था वो हमने इस्तेमाल कर लिया है और अब हमें अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए मजीद फंड की जरूरत है दूसरी तरफ तरफंग प्रोफेसर ही को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है कह रहा होता है कि मुझे सबसे ज्यादा जल्दी है लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते यून चंग कहता है की मैंने तुम पर बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं तुम्हें बेस्ट टीम्स भी प्रोवाइड की हैं लेकिन इसके बावजूद भी सुवीर और गंजन रिसर्च में हमसे आगे हैं ये अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए यूनचन को सफाइयाँ देने लगता है तो कहता है की मुझे सिर्फ एक बार बता दो की क्या तुम ये काम कर सकते हो या नहीं वैसे ये कहता है की हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ यूनचंग कहता है की तुम्हें एक बात याद दिला दूँ मुझे सिर्फ रिजल्ट की परवाह है ये कहकर ये यहाँ ऐसी चला जाता है और अब दिन रात सुवियन अपने रिसर्च आरोप बहुत तेजी ऐसी काम कर रही होती है सुवियन ऐसी कहता है की अब घर चलने का वक्त हो गया लेकिन सूवियन कहती है कि मेरा अभी काम पड़ा हुआ है तो गंजन कहते हैं कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ और ये दोनों मिलकर फिर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते है जब ये दोनों काम कर रहे होते हैं तो सूवियन ऐसे ही यहाँ पर सो जाती है गंजन सुवियन को यहाँ पर ऐसे ही सोने देता है और बाकी का काम खुद कर लेता है अब गोन्जन डॉक्टर वॉन्ग से मिलने के लिए आया होता है तो ये डॉक्टर वॉन्ग से कहता है की मुझे और फंड चाहिए डॉक्टर वॉन्ग कहते हैं की तुम मुझे अपने काम की रिपोर्ट बना कर दे देना मैं तुम्हें कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज रिकमेंड करूंगा लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि रिजल्ट तुम्हारे मुताबिक होगा है कि मुझे मालूम हो गया है की आप भी मेरी बहुत केयर करते हैं इस बात आरोप डॉक्टर वांग हंसने लगते हैं और इसी मोमेंट आरोप एपिसोड थर्टी खत्म हो जाती है